शशि शेखरा मरकत प्रेक्षा चतुर्भुज शंखं चक्रधनु शरांश्च दधति नैत्रयी स्त्रीभिः शोभिता फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं हूँ पूनम और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल मैठाणी ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, अभी हूँ मैं अगरतला में और आज हम लोग जा रहे हैं ओसा बाजार और वहाँ पे बन रहा है मीनाक्षी मंदिर साउथ का, बहुत सुंदर है। तो आप लोग वीडियो में बने रहें। फ्रेंड्स, अभी हम दोनों हस्बैंड वाइफ स्कूटी पे निकल गए हैं और जो आज का मौसम है ये बहुत अच्छा हो रखा है। धूप भी नहीं है और बारिश भी नहीं है। वैसे अगरतला में बहुत ज़्यादा गर्मी है लेकिन आज मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। और हम लोग तो उत्तराखंड से हैं तो हमें यहाँ पर गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है। ये जो पंडाल बन रहा है ये साउथ इंडिया का बहुत ही फेमस मंदिर मीनाक्षी मंदिर है। इस मंदिर को इतना अच्छा बनाया गया है कि रियल और बम्बू के मंदिर में इतना फ़र्क नहीं लग रहा है। जिस तरह ये लोग बांस के डंडों से बना रहे हैं, बहुत सुंदर है। और यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है बंगाली में, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। फ्रेंड्स, कितना सुंदर पंडाल बन रहा है यहाँ पर। और सिर्फ एक महीने में इन्होंने बनाकर तैयार किया है और यहाँ पर अंदर काम चल रहा है तो वो लोग अंदर हमें नहीं आने दिए क्योंकि लकड़ियाँ वगैरह गिरने का डर रहता है। सिंहस्था शशि शेखरा मरकत प्रेक्षा चतुर्भुज शंखं चक्रधनु शरांश्च दधति नैत्रयी स्त्रीभिः शोभिता से। एक से पूजा शुरू होगी भैया यहाँ पे ना? हाँ। और खत्म कब होता है फिर? ये तो खत्म तो दसवीं को होता है। दसवीं को? दसवीं बाद में कुछ नहीं रहता है। अच्छा, फिर इसे निकाल देते? हाँ, फिर इसे निकाल। ओ, हमें तो बनने से ज्यादा निकालने का दुख हो रहा है, इतना मेहनत किया कैसे तोड़ेंगे ये लोग ना? अगर नहीं तोड़ेंगे तो हाँ, नेक्स्ट ईयर आएगा। हाँ, पर हर साल अलग अलग थीम होती है। हाँ, अलग अलग। अच्छा अच्छा, और आपका ये उससे रिलेटिव है ना कुछ अलग? हाँ, थोड़ा सा रिलेटिव है। अच्छा अच्छा, ठीक है भैया, थैंक यू भैया। फ्रेंड्स, ये पंडाल के बाहर में ही बन रहा है ड्राइंग वगैरह करके और इन भैया से हमने बात की
तो बता रहे थे वो कि यहाँ पर एक से शुरू है पूजा और ये बहुत सुंदर मंदिर बन रहा है और हर साल यहाँ पर थीम जो होती है ये अलग अलग होती है। और हमें तो इस बात का बहुत दुख लग रहा है कि इस पंडाल को ये लोग बाद में निकाल देंगे। और ये भी सही कह रहे हैं, अगर इस पंडाल को इस बार नहीं निकालेंगे तो अगली बार कैसे इतना सुंदर पंडाल ये लोग बनाएंगे। फ्रेंड्स, आप लोग को ये साउथ का मंदिर मीनाक्षी मंदिर कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं आप लोग के साथ ऐसे ही दुर्गा पूजा के वीडियो और भी लाते रहूँगी। शंखं चक्रधनु शरांश्च दधति नैत्रयी स्त्रीभिः जा।